सभी साथियों को नमस्कार। हम आज आपके लिए साइंस का अध्यापक लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे अध्ययन व गहरे अध्ययन के साथ आपको साइंस पढ़ाई जाएगी। अब आप ये नहीं कहोगे कि आपको पूरा जितना भी मटेरियल होता है शुरू से टॉपिक किया जाएगा, हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से। आप ऐसे किया करो, जब चैनल खोलो ना जीके बायोलॉजी सर, तो प्ले लिस्ट में चले जाया करो, वहाँ हर टॉपिक की हर क्लास अलग अलग से बनाई हुई है। जैसे आपको कोई भी जैसे रक्त परिसंचर तंत्र करना है, तो जैसे हम बात करें जीव विज्ञान के अंदर, तो उसका अलग से अगर आपको मिल जाएगा बना हुआ अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल सर का नाम हेमंत सर है, आपको साइंस पढ़ाएंगे, बिल्कुल बने रहिएगा सर। सर कीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, आज से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर साइंस शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि अजय जी ने बता दिया है, तो इसके बारे में सबसे पहले अपने बात करेंगे, तो सबसे पहले साइंस, जो साइंस है बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और हाई लेवल तक बढ़ेंगे। साइंस में सबसे पहले बात करें तो साइंस जो है उसके पांच पार्ट हमारे पास होते हैं। जो साइंस के थ्रू जो आते हैं वो सिर्फ तीन पार्ट आते हैं, पांच में से सिर्फ तीन पार्ट ऐसे होते हैं जो किसके थ्रू आते हैं, साइंस के थ्रू आते हैं। अब सबसे पहले बात करें साइंस की, तो साइंस जो है हमारे पास, इसके बारे में बात करें तो जो विज्ञान है हमारे पास, ये जो विज्ञान होता है इसके कितने भाग हैं, जो हम केवल और केवल किसके थ्रू पढ़ेंगे, साइंस के थ्रू पढ़ेंगे। तो इसके कितने भाग हैं हमारे पास, तो इसके सिर्फ और सिर्फ तीन भाग जो होते हैं वो हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, साइंस के थ्रू पढ़ेंगे। अब देखो साइंस के थ्रू बात करें तो तीन भाग कौन कौन से होते हैं। इन तीन भागों में से सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला भाग जो है उसका नाम होता है हमारे पास कौन सा विज्ञान है, जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। दूसरा जो विज्ञान है उसका नाम है रसायन विज्ञान। दूसरे विज्ञान का नाम क्या होता है, रसायन विज्ञान। और तीसरा विज्ञान जो है उसका क्या नाम होता है, भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान जो है वो हमारे पास कौन सा विज्ञान है, तीसरा विज्ञान जो है उसका नाम हमारे पास क्या है, भौतिक विज्ञान। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हुए और कौन कौन इनको लेकर आया। तो सबसे पहला है जीव विज्ञान, दूसरा जो है वो रसायन विज्ञान, और तीसरा है भौतिक विज्ञान। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो सबसे पहले अपने बात करें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो इंग्लिश में बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और क्या है, फिजिक्स है। अब देखो जो हमारा जीव विज्ञान है ये आगे जो बढ़ता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये कितने भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में डिवाइड होता है। इन दो भागों के क्या क्या नाम होते हैं, तो पहला भाग और ये है हमारे पास कौन सा, दूसरा भाग। पहले भाग की बात करें तो इसका नाम होता है क्या, जंतु विज्ञान। पहला भाग जो है इसका क्या है, जंतु विज्ञान है, और दूसरे भाग का क्या नाम है, तो वनस्पति विज्ञान। पहले भाग का नाम है जंतु विज्ञान और दूसरे का क्या नाम है, वनस्पति विज्ञान। अब बात करें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन दोनों पार्ट्स में क्या पढ़ना है हमें, तो जंतु नाम से पता चल रहा है कि यहां हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान, यहां हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहां हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो जंतु विज्ञान जो लेकर आया उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, अरस्तु था भाई, उसका नाम क्या था, अरस्तु था। और जो वनस्पति विज्ञान लेकर आया उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था थियोफ्रेस्टस। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। ये दो साइंटिस्ट हुए हैं किसके अंदर, जीव विज्ञान के अंदर। तो जीव विज्ञान जो है आगे दो भागों में डिवाइड होता है, उन दो भागों के क्या नाम है, एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान। अब पहली बात तो ये आती है कि इन्होंने काम क्या किया, कि ये जो दोनों बंदे थे, एक तो जंतु विज्ञान में आ रहा है, एक आ रहा है वनस्पति विज्ञान में, तो इन दोनों ने काम क्या किया था। तो अरस्तु जो था इसने काम किया था भाई, 500 पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए थे, सॉरी अरस्तु ने काम किया था 500 जंतुओं के वैज्ञानिक नाम दिए थे। वो किसने दिए थे, अरस्तु ने दिए थे। तो अरस्तु का काम हो गया क्या, 500
जंतुओं के वैज्ञानिक नाम देने वाला कौन था? अरस्तु था। दूसरा है कौन? थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट ने क्या काम किया था? तो इसने काम किया था 500 पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। यह काम किया किसने? थियोफ्रेस्ट ने। अब देखो, इसीलिए इस अरस्तु को कहा जाता है किसका जनक? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और थियोफ्रेस्ट को कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान के जनक हो गए कौन? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक हो गए कौन? थियोफ्रेस्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये दोनों जनक तो इसके हो गए, एक हो गया जंतु विज्ञान का जनक, एक हो गया वनस्पति विज्ञान का जनक। फिर इस जीव विज्ञान का जनक किसको बनाए? बात आती है कि इस जीव विज्ञान का जनक किसको बनाए? तो देखो, इन दोनों काम में से अरस्तु वाला काम और कौन सा थियोफ्रेस्टस वाला काम जो है, इन दोनों में से काम टफ किसका था, यानी काम जो था वो कठिन किसका था? अब बात आती है, तो इन दोनों में से जो काम कठिन था वो किसका था? अरस्तु का काम क्या था? कठिन था। तो अरस्तु को बना दिया गया क्या? जीव विज्ञान का जनक। अरस्तु बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था एक, ठीक है, जिसको अपने किसमें पढ़ते हैं? साइंस में भी पढ़ते हैं, और इसका नाम मनोविज्ञान में भी आता है अरस्तु ने। ठीक है, जो आत्मा का विज्ञान लेकर आया था वो कौन था? अरस्तु ही था। अब देखो, साइंटिस्ट के अंदर बात करें तो हमारे पास दो साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखने हैं, पहला है अरस्तु और दूसरा कौन सा है? थियोफ्रेस्ट। अब देखो, जीव विज्ञान दो भागों में डिवाइड है, एक जंतु विज्ञान, दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान। इसमें बात करें तो जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है हमारे पास। फिर बात करें वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। अब देखो, जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान जिसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बोटनी। एक पार्ट है जूलॉजी, एक पार्ट है बोटनी। जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो नाम से पता चल रहा है जंतु, यानी यहां हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान, यानी यहां हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, दूसरा पार्ट है हमारे पास कौन सा? रसायन विज्ञान। कौन सा है? रसायन विज्ञान। अब इस रसायन विज्ञान की आगे जो ब्रांच होती है वो तीन ब्रांच होती है, लेकिन हमें तीनों को पूरा डिटेल में अध्ययन नहीं करना। इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान जो है, इसका जनक कौन था? तो इसका जनक था लेवासियर। कौन था? लेवासियर। और जब आप बुक में पढ़ोगे तो इसी लेवासियर का नाम आपको लेवाजियर लिखा हुआ मिलेगा, तब भी आपको समझना है कि लेवासियर और लेवाजियर एक ही थे। ठीक है, एक ही बंदे के दो नाम है, लेवासियर और लेवाजियर। ये लास्ट जो पार्ट है हमारे पास वो कौन सा है? भौतिक विज्ञान है। सबसे पहले देखो, हम इन तीनों पार्टों में से शुरू करेंगे कौन सा? जीव विज्ञान शुरू करेंगे। जीव विज्ञान भी आगे दो भागों में डिवाइड है, इन दो भागों में से पहले कौन सा भाग पढ़ेंगे? तो पहले पढ़ेंगे जंतु विज्ञान को कवर करेंगे, फिर अपने चलेंगे किस पे? वनस्पति विज्ञान पे। अब यहां देखो, जो भौतिक विज्ञान है लास्ट भाग, जो हमारे पास लास्ट भाग जो हमारा भौतिक विज्ञान है, इसका जनक कौन था? तो इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ये दो भागों में डिवाइड होती है, एक होती है चिरसमस्त भौतिकी, एक होती है परंपरागत भौतिकी। जो चिरसमस्त भौतिकी होती है वो अपनी जो थी, जो सन 1900 से पहले हम पढ़ते आ रहे थे, उसका नाम होता है चिरसमस्त भौतिकी। और जो दूसरा भाग होगा उसका क्या नाम होगा? तो परंपरागत भौतिकी। वो भौतिकी जो हम 1900 से बाद में पढ़ने लगे हैं, यानी जो भौतिकी हम सन 1900 से बाद में पढ़ने लगे हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है परंपरागत भौतिकी। ठीक है, तो एक होगी चिरसमस्त भौतिकी, एक होगी क्या? परंपरागत भौतिकी। अब बात करें चिरसमस्त भौतिकी में क्या आएगा, तो वो भौतिकी जो 1900 से पहले की थी और 1900 के बाद की कौन सी हो जाएगी? परंपरागत भौतिकी। ठीक है, अब देखो, जो भौतिक विज्ञान है इसके दो भाग हैं, एक भाग तो है हमारे पास कौन सा? चिरसमस्त भौतिकी। दूसरा कौन सा है? आधुनिक भौतिकी।
दूसरे का नाम है आधुनिक भौतिकी। चिरस्मृत भौतिकी वो भौतिकी है जो कब की है भाई, सन 1900 से पहले की है। आधुनिक भौतिकी कौन सी है, जो सन 1900 के बाद की भौतिकी है, वो कौन सी है, आधुनिक भौतिकी है। ये चिरस्मृत भौतिकी कब की है, तो 1900 से पहले की भौतिकी है। अब बात करते हैं जो चिरस्मृत भौतिकी है इसमें हमें क्या पढ़ना है, और जो आधुनिक भौतिकी है इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो चिरस्मृत भौतिकी यानी जो चिरस्मृत भौतिकी है हमारे पास, वो 1900 से पहले की है, मतलब इसके अंदर अभी भी कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज का मतलब जैसा हम कब से पढ़ रहे हैं, जैसा हम 1900 से पहले पढ़ रहे हैं वैसा ही हम उसको क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। लेकिन आधुनिक भौतिकी है क्या है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फेरबदल हो रहा है, मतलब इसमें अपने क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे देखो क्या चिरस्मृत भौतिकी की बात करें तो यहां पर हमारे पास आएगा ऑप्टिक्स यानी प्रकाश। प्रकाश के बारे में पहले ही उतना ही पढ़ा जाता था और उतना ही हम आज पढ़ेंगे, लेकिन आधुनिक भौतिकी में क्या होगा, जैसे यहां पर हमारे पास आएगा क्या, जैसे आ गया रोबोट, ठीक है, जैसे आ गया मोबाइल, ठीक है, जैसे आ गया कंप्यूटर, ठीक है, जैसे क्या आ गया कंप्यूटर। तो देखो पहले मोबाइल क्या आते थे, स्टार्टिंग में 2G आए, फिर हो गए क्या 3G, फिर हो गए 4G, और अब जो प्रचलन में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 5G आ रहा है। तो दिन भर दिन क्या हो रहा है, इनमें चेंज हो रहा है, तो वो भौतिकी कौन सी होगी, आधुनिक भौतिकी होगी। और चिरस्मृत भौतिकी जो क्या है, फिक्स थी, मतलब 1900 से पहले भी वैसी थी, आज भी क्या है, वैसी ही है। अब बात करते हैं चिरस्मृत भौतिकी की कि इसका जनक कौन था, तो इसका जनक था भाई न्यूटन। कौन था, न्यूटन था। और दूसरा जो है वो कौन सा है, आधुनिक भौतिकी, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक थे बोस आइंस्टीन। कौन थे, बोस आइंस्टीन इसके जनक थे। इसके जनक जो हुए वो कौन हुए, बोस आइंस्टीन। तो देखो चिरस्मृत भौतिकी के जनक कौन है, न्यूटन है, जबकि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, बोस आइंस्टीन है। कौन है, बोस आइंस्टीन जो है वो किसके जनक है, आधुनिक भौतिकी के, ठीक है, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, बोस आइंस्टीन, और जबकि चिरस्मृत भौतिकी के जनक है न्यूटन। न्यूटन एक मात्रक भी होता है, न्यूटन जो है वो एक मात्रक भी होता है। किस राशि का मात्रक न्यूटन होता है, किस राशि का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। तो ध्यान रखना जो हमारा फोर्स होता है, जो बल होता है, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये थी हमारे पास किसके बारे में बातें, भौतिक विज्ञान के बारे में बातें। भौतिक विज्ञान जो है दो भागों में डिवाइड है, एक चिरस्मृत भौतिकी है और दूसरी कौन सी है, आधुनिक भौतिकी है। एक तो चिरस्मृत भौतिकी है और दूसरी कौन सी है, आधुनिक भौतिकी है। तो इसका जनक जो है वो है हमारे पास कौन, न्यूटन, और न्यूटन एक मात्रक है किसका, तो ये होता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जबकि जो आधुनिक है हमारे पास, इसके जनक कौन है, आइंस्टीन है। और आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, सभी को ध्यान में होगी, कौन सी इक्वेशन थी जो बोस आइंस्टीन ने दी थी, तो बोस आइंस्टीन ने दी थी E=mc2। ये जो इक्वेशन जो अपने पढ़ते हैं वो किसकी दी हुई है, बोस आइंस्टीन की दी हुई इक्वेशन है। कौन सी, E=mc2। तो ये बात होगी साइंस के बारे में बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब आपसे यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है जीव विज्ञान के जनक कौन है, जो जीव विज्ञान है उसके जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक आप किसको बताओगे, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन बनेगा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु है। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो यहां पर कौन है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन बनेगा रसायन विज्ञान का जनक कौन है, लेवासिए है। फिर बात करते हैं चिरस्मस भौतिकी के जनक कौन है, तो न्यूटन है। आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी का जनक है बोस आइंस्टीन। कौन है, बोस आइंस्टीन जो है वो किसका जनक है, आधुनिक भौतिकी का जनक जो है वो बोस आइंस्टीन है। अब नेक्स्ट इसके अंदर अपने जो बात करते हैं कि इन दोनों के तो जनक आपने बता दिए, फिर इस भौतिक विज्ञान का जनक किसको माना गया, तो जो भौतिक विज्ञान है इसका जनक भी किसको कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। ये जो 6 क्वेश्चन हैं वो ऊपर के क्वेश्चन होते हैं। साइंस के अंदर कोई भी एग्जामिनर अगर डिटेल में ना जाए और वो ऊपर का कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो इन 6 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन पुट कर देगा, ठीक है। ये बात होगी हमारी किसके बारे में, जीव विज्ञान के बारे में बात होगी। अब हमें जो शुरू करनी है वो कौन सी शुरू करनी है, जीव विज्ञान शुरू करनी है। और जीव विज्ञान 2 भागों में डिवाइड है, एक जंतु विज्ञान और दूसरी कौन सी है, वनस्पति विज्ञान। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में। यहां जो हमारे पास जो जंतु विज्ञान है, ये जो जंतु विज्ञान है इसके अंदर जो सबसे मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारे पास, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मानव। कौन है, मानव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे किसके अंदर, जंतु विज्ञान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मानव है। अब इस मानव के बारे में हमें पढ़ना है, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, मानव के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानव जो है, इस मानव के अंदर क्या कुछ है। तो साइंस में मैंने बता दिया सबसे पहले अपने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी में भी कौन सा विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी भाग जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मानव। अब इस मानव में क्या होता है कि पहली बात तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि कोई भी शरीर जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो कोई भी शरीर बनता है मानव का तो सबसे पहले निर्माण होता है किसका, कोशिका का होता है। सबसे पहले बनती है क्या, सेल्स बनती है, कोशिका बनती है। इस सेल्स के बाद नेक्स्ट 2 नंबर पे क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं। उत्तक के बाद क्या बनेंगे, तो अंग बनेंगे। अंग के बाद क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेंगे। और अंग तंत्र मिलकर क्या बना देंगे भाई, शरीर बना देंगे। अंग तंत्र मिलकर क्या बना देंगे, शरीर बना देंगे। तो एक बॉडी का निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले बनी क्या, सेल्स, कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे, अंग। अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बना देगा, एक शरीर बना देगा। तो सबसे पहले मेनली बात करें अंग तंत्र की, तो ये जो मानव है हमारे पास, इस मानव के अंदर कुल 9 प्रकार के, सॉरी कुल 18 प्रकार के तंत्र चलते हैं। ये जो मानव है हमारे पास, इसके अंदर कुल 18 प्रकार के क्या चलते हैं, तंत्र चलते हैं। और 18 प्रकार के तंत्र प्लस एक टॉपिक हमारा इसमें रहेगा, कौन सा, मानव रोग। जब इतना कुछ पढ़ेंगे तब हमारा पार्ट कंप्लीट होगा, कौन सा, तो एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा, कौन सा, तो एक पार्ट जीव विज्ञान का फर्स्ट भाग जो हमारा जंतु विज्ञान है वो कंप्लीट होगा, कौन से में, इसमें। तो एक मानव के अंदर क्या है, तो कुल 18 प्रकार के तंत्र हैं। कौन कौन से, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, मानव उत्सर्जन तंत्र हो गया, मानव श्वसन तंत्र हो गया, मानव पाचन तंत्र हो गया, मानव कंकाल तंत्र हो गया। इन सभी को मिला के कुल कितने तंत्र बनेंगे, 18 तंत्र बनेंगे। और एक टॉपिक कौन सा रहेगा, मानव रोग रहेगा। तो आज से अपने जो शुरू कर रहे हैं, तो पहले टॉपिक का नाम है हमारे पास क्या, तो पहले टॉपिक का नाम है मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है हमारे पास क्या, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है,
मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखो हमारे पास टॉपिक का नाम है, हम आज का फर्स्ट टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो कौन सा है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले बेसिक बात करेंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो ये जो टॉपिक है हमारे पास, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो इसी के अंदर हमारे पास तीन भागों में डिवाइड किया मैंने इस टॉपिक को। तीन भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करें तो टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि क्या है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। पहला नाम पता चल गया कि हम इस टॉपिक के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। दूसरी बात करें तो अब ये जो ब्लड है वो सीधा तो फ्लो होता नहीं है, ये किसके अंदर बहता है, तो ये जो हमारा ब्लड है, ये जो हमारा ब्लड है वो किसके अंदर बहता है, तो वाहिकाओं के अंदर बहता है। मानव शरीर के अंदर जो ब्लड है वो किसके अंदर बहेगा, वाहिकाओं के अंदर। तो दो नंबर पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वाहिकाएं, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो किसके बारे में पढ़ना है हमें, तो सबसे लास्ट जो तीन नंबर आएगा वो पढ़ेंगे अपने किसके बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे लास्ट जो अध्ययन हमने करना है वो किसके बारे में करना है, हृदय के बारे में। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले अपने किसके अंदर जो पढ़ना है इस टॉपिक में, वो हमें तीन चीजें पढ़नी है। तीन चीजें क्या क्या पढ़नी है, तो एक तो पढ़ना है रक्त, दूसरा क्या पढ़ना है तो वाहिकाएं, और तीसरी क्या पढ़नी है हमें, तो इस टॉपिक में तीसरा जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, हार्ट है। अब सबसे पहले अपने पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, इंपॉर्टेंट तीनों ही पार्ट है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सबसे लास्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहले अपने जब इन दो को कवर करेंगे तभी अपने तीसरे पे पहुंच पाएंगे, जब हमें दो जो पार्ट हैं जो स्टार्टिंग के वो अच्छी तरह से आएंगे तभी हमको तीसरा पार्ट जो है वो समझ में आएगा। अब देखो इसमें बात करें तो सबसे पहले ब्लड है, फिर है वाहिकाएं, और लास्ट क्या है, हृदय है। सबसे पहले अपने बात करें कि जो ये रक्त परिसंचरण तंत्र है, इस टॉपिक के अंदर जो ये रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया था। तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र टॉपिक है इसके बारे में सबसे पहले बताया था विलियम हार्वे, एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम क्या था, विलियम हार्वे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम हुआ क्या, विलियम हार्वे। इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया, तो कब बताया, तो सन 1628 के अंदर बताया था। इसने हमें बताया कब था, तो सन 1628 के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया हमें किसने, तो विलियम हार्वे ने बताया। किसने बताया, विलियम हार्वे ने हमें बताया किसके बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमें बताया किसने, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्या, विलियम हार्वे। अब देखो जो विलियम हार्वे है इसने बताया सिर्फ हमें किसके बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया। और आप सभी जानते हो जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कैसे, एक तो आएगा बंद और एक आएगा खुला। तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बंद क्या है और खुला क्या है, कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखो आपको थोड़ा सा बता देता हूं परिसंचरण तंत्र के बारे में, ये दो टाइप का है। परिसंचरण तंत्र जो होता है वो दो टाइप का है, एक होता है खुला और दूसरा क्या होगा, बंद होगा। एक होता है खुला और दूसरा होता है बंद। अब देखो खुले और बंद का मतलब क्या होता है, खुला किसको बोलोगे और बंद किसको बोलोगे। आप जो खुला कह रहे हो वो किसको कह रहे हो और बंद किसको कह रहे हो। तो देखो जब भी बात आए खुले की तो सीधी सी बात है इन तीन भागों में से इसके अंदर दूसरा भाग जो है वो क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा।
क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। कौन से में, ये जो तीन भाग है इनमें से ये बीच वाला जो भाग है वो क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। किसके अंदर, तो किसके अंदर रहेगा भाई, फूले के अंदर। तो यहां पे आप समझ गए कि यहां पर क्या नहीं पाई जाती, जो वाहिकाएं हैं वो यहां पर नहीं पाई जाती, जबकि बंद के अंदर क्या पाई जाती है, वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो खुले रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या नहीं मिलेगी हमें, वाहिकाएं नहीं मिलेगी, जबकि बंद के अंदर क्या मिलने वाली है हमें, वाहिकाएं मिलने वाली है। ठीक है, तो बंद में हमें क्या मिलेगी, वाहिकाएं मिलेगी। अब देखो, तो बंद के अंदर ये तीनों पार्ट पढ़े जाएंगे, तो मतलब जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। मानव वाला कैसा है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। जबकि खुले के एग्जाम्पल ध्यान रखना कि खुले में कौन कौन से आते हैं, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि निम्न में से किसके अंदर खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुले के अंदर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल पहला आएगा ऑर्थोपोडा संघ, पहला है हमारे पास कौन सा, ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा संघ की बात करें तो वे जीव जिनकी टांगे क्या हो, 6 या 6 से ज्यादा हो, वो सारे जीव किसमें आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। सारे के सारे जीव किसमें आएंगे, ऑर्थोपोडा संघ में आएंगे। मतलब हो गया कि वो जीव जिनके पैर जो हैं, जो टांगे जो हैं, वो कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 6 से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान रखना दो नंबर पे, जो मोलास्का संघ है जिसके अंदर हमारा क्या आता है, मोती सीप आता है। मोती सीप बोले तो जो घोंगा, उसके अलावा क्या आएगा, ऑक्टोपस, क्या आएगा, ऑक्टोपस। और ध्यान रखना ये ऑक्टोपस एक जीव है, इस ऑक्टोपस को किस नाम से जाना जाता है, तो बेताल मछली के नाम से जाना जाता है इसको, किस नाम से, बेताल मछली के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस को। ठीक है, तो बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक कौन सा होता है, बंद होता है, और एक कौन सा होता है, खुला होता है। अगर बात करें खुले की, तो जो खुला जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो किसमें पाया जाता है, तो दो संघ याद रखना, दो फाइलम ध्यान में रखना, कौन कौन से, एक तो ऑर्थोपोडा संघ और दूसरा कौन सा, मोलास्का संघ। ऑर्थोपोडा संघ की बात करें तो वे जीव जिनके पैर जो होते हैं वो कितने से ज्यादा, 6 से ज्यादा जिनके पैर होते हैं वो किसमें आते हैं, तो वो सारे के सारे जीव आते हैं किसमें, ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मोलास्का संघ की, तो मोलास्का में दो जीव ध्यान रखने, एक तो घोंगा और दूसरा कौन सा, ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस को किस नाम से जानते हैं, बेताल मछली के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बेताल मछली के नाम से जाना जाता है, किसको, ऑक्टोपस को जाना जाता है। अब देखो ये वास्तव में मछली नहीं होती, लेकिन इसका नाम है क्या, बेताल मछली। ठीक है, इस बेताल मछली के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो ये आप समझ गए कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो कितने भागों में डिवाइड है, यानी कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। अब देखो सबसे पहले बात करें कि ये जो रक्त होता है, इस रक्त के अंदर क्या क्या होता है, इस रक्त के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ना है किसके बारे में, रक्त के बारे में पढ़ना है। तो पहले मैंने समझा दिया कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो कितने टाइप का है, तो दो टाइप का, एक है बंद, एक कौन सा है, खुला। खुले का मतलब हो गया क्या, जिसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती वो कौन सा होगा, खुला। बंद कौन सा होगा, जिसमें क्या पाई जाएंगी, वाहिकाएं पाई जाएंगी। अब देखो खुला जो है, इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एक तो है ऑर्थोपोडा संघ और दूसरा कौन सा है, मोलास्का संघ। ऑर्थोपोडा संघ जिसके अंदर कौन से जीव आएंगे, जिनके पैर कितने से ज्यादा होने चाहिए, 6 से ज्यादा होने चाहिए।
अब छह से ज्यादा वाले पैर में बात करें तो कौन कौन आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो कॉकरोच जो तिलचट्टा होता है वो किस में आएगा, ऑर्थोपोडा संघ में आएगा। चींटियां जो होती है जिनके पैर कितने से ज्यादा, छह से ज्यादा, जो मक्खी होती है वो भी किस में आएगी, ऑर्थोपोडा संघ में आएगी। किसमें आएगी, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आएगी। अब हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, रक्त के बारे में पढ़ना है।